अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में मिली हार के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों की आ गई शामत। विराट कोहली और रोहित शर्मा को श्रीलंका खिलाड़ियों ने बनाया जमकर निशाना। अपना असली रूप दिखाकर गाली देते हुए न केवल कोहली और विराट कोहली और रोहित के साथ बदतमीजी करी, बल्कि स्टेडियम से बाहर निकलते ही इन दोनों खिलाड़ियों के साथ ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जिसे देखकर तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर क्यों श्रीलंका खिलाड़ियों ने भारतीय टीम पर किया हमला, क्यों घटिया हरकतों पर उतर आए श्रीलंका खिलाड़ी, उस दर्दनाक घटना का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कोलंबो के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। 50 ओवर में 240 रन केवल बना सकी और अपने 9 बल्लेबाजों को खो दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। शुरुआत तो काफी शानदार हुई, रोहित और गिल ने मिलकर टीम इंडिया के लिए 97 रनों की यादगार पारी खेली, लेकिन दोनों बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। उसके बाद मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सका। श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने आए जेफरी वेंडरसे ने अपनी फिरकी से टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया, बल्कि भारतीय टीम को शर्मनाक हार का स्वाद भी चखा दिया। और इसी के साथ श्रीलंका सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर चुका था। श्रीलंका की अद्भुत जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग हो चुका था। वहीं भारत के हार का मातम हिंदुस्तान में मनाया जा रहा था। वही स्टेडियम में बैठे श्रीलंका खिलाड़ियों का भी गुस्सा देखने को मिल रहा था। गुस्सा सातवें आसमान पर था। हर कोई विराट कोहली और रोहित शर्मा से बेहद नाराज था और श्रीलंका खिलाड़ी तो इन खिलाड़ियों को पीटने का पूरा मन बना चुके थे। जब ये खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो उसी दरमियान श्रीलंका के खिलाड़ी इन खिलाड़ियों को गाली पकड़ देना शुरू कर चुके थे। इतना ही नहीं, जब स्टेडियम से बाहर विराट कोहली और रोहित शर्मा होटल जाने के लिए रवाना हुए तब गुस्सा आए हुए श्रीलंका खिलाड़ी इन खिलाड़ियों को देखकर पूरी तरह से भड़क गए। उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर चढ़ गया था। इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी और गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिए। उन्होंने इस कदर विराट कोहली रोहित शर्मा पर नफरत फैलाई जिसे सुन पाना भी किसी के लिए नामुमकिन था। उन्होंने इन खिलाड़ियों को घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि आज इन खिलाड़ियों की शामत आ जाएगी। भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों पर वो अपना गुस्सा निकालना अचानक से वहां आंदोलन जैसा माहौल बना दिया। फिर तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होना शुरू हो गई। कुछ तो भारतीय टीम के जिगरी फैंस खिलाड़ियों को बचाने के लिए आ गए। हालांकि सलाम है वहां की पुलिस बल और सिक्योरिटी का, जिन्होंने हालात पर काबू किया और भीड़ को वहां से अलग किया और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को, खासतौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को, सुरक्षित वहां से निकाला। नहीं तो आज कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती। और वहीं श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने तो अपनी औकात तक दिखा दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।